अगर हमें कुछ शख्स कहता है कि शबे बारात को उठ के नफल न पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए। हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं, ना तू हमारे और रब के दरमियान माज़ अल्लाह कोई वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा है ज़रूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, चांस मिस किया, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात, फरमाती हैं शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नज़र डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नज़र पड़ी तो हुजूर नहीं थे। मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और जौजा की तरफ हुजूर का मेलान तबाह हो गया हो, वहाँ तशरीफ़ ले गए हों। फरमाती मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते मैं गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा? अर्ज की, हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहें तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहाँ खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिर्मिज़ी के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया शाह ये शाबान की 15वीं रात है, मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनू कल्ब का कबीला पालता था, फरमाया आज की रात बनू कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शी फरमा देगा। ये वो रात है जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बात रात को सुनी तन्हाई में, नबी पाक से रात को तन्हाई में हुजूर से सुनी, सवेरे जनाब आयशा ने कुल उम्मत को बताई। अगर ये बात अहमियत वाली ना होती तो बीबी साहब आगे रवायत करती, ये किताबों में आती, ये लोगों को बताती। हजरत आयशा ने रवायत किया और मौला अली शेर खुदा ने तो खुल के कहा इब्ने माजा में, हजरत अली से प्यार करने वालों के लिए अलग उनवान, मौला अली ने खुल के फरमाया, फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। हजरत अली के लफ्ज भाई नहीं सियासिता में, रात को रोज इबादत करना, दिन को रोजा रखना। वैसे तो रब करीम हर रोज तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और लोगों को फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला, और फरमाया हर रोज तहज्जुद के वक्त ये ऐलान होता है, पर शबे बारात को ना शुरू रात से ये ऐलान शुरू हो जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, मगरिब से ऐलान शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको, ओ भाई यहाँ बार लूट सेल लग जाए, यहाँ अभी सेल लग जाए, ये 5000 वाला जोड़ा 1500 में तो रश खत्म होगा। ओ भाई अगर ये लग जाए, चलो ये तो दूर की बात है ना, हम तो लंगर वाले लोग हैं, अगर लंगर का ऐलान हो जाए ये बड़ा तगड़ा है, बड़ा तगड़ा। हमारे यहाँ तो शादी की रोटी खुलती है तो लोग आखिरी रोटी समझ के खाते हैं, इतने शायद इल्ला माशाल्लाह ये आखिरी है, इसके बाद ना मिलेगी। जब ऐलान होता है और दावत होती है कि खुला है जी खाओ, क्या हशर होता है, क्या अंदाज है। मौला अली शेर खुदा हदीस रवायत करते हैं, रंग क्या है, फरमाया बाकी रातों में ना थोड़ा सा पैकेज होता है, थोड़ा सा आखिरी हिस्से में रात के, शबे बरात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुजूल जलाल फरमाता है और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला। अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं, मांगो माफी, है कोई माफी मांगने वाला, माफ कर देंगे। और आप फरमाते हैं है कोई रिस्क मांगने वाला। वो जो बड़ी दरखास्तें देते फिरते हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, वो एक दरखास्त ना कल शबे बरात वाली रात भी दे। अल्लाह करे आपको समझ आए। वो जो कहते हैं ना बड़े बड़ी कंपनियों मैंने एप्लीकेशन जमा कराई है तो कहीं काम नहीं बन रहा, तो नुस्खा दे रहा हूं, एक एप्लीकेशन कल रात भी जमा कराओ, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, और वो खुद नहीं फरमा रहे, वो नबी पाक का फरमान नकल कर रहे हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान कर रहे, वो कहते हैं रब फरमाता है कोई रोजी मांगने वाला। सारे सेठों नवाबों जागीरदारों के पास जा जाके थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी शबे बरात वाली लगा के तो देखो। पर शर्त यह है कि यकीने कामिल हो, इरादा ये, मतलब अल्लाह माफ करे
आपने नाराज नहीं होना, लेकिन वो माहौल इस तरह का है कि शबे बारात को एक दो साथी को कहा रात को इबादत कर, कहते जी वो तो ठीक है पर सवेरे छुट्टी नहीं, काम करना है। यानी रब कह रहा है कि तू आ जा शबे बारात की रात, जो मांगेगा वो तुझे, लेकिन ये उधर नहीं तवज्जो कर रहा। ये कहता है सवेरे 10 बजे दुकान ना खुली तो मुश्किल हो जाएगी, दफ्तर न गया तो हालात आप देखें जरा। अब जब यकीन इस तरह का हो तो फिर तो मैं सारी जिंदगी इदारों में दरखास्तें देनी है। फिर आप जैसा आपका मिजाज होगा, अल्लाह ताला तो बंदे के गुमान के करीब है। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, फरमाया इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा, इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा, इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करेगा, जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। कोशिश फरमाए, कोशिश फरमाए। 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ लोग जाते हैं कब्रिस्तान, वो किसी हदीस से साबित नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, जाएं 9 मुहर्रम को जाएं, 10 को जाएं, 11 को जाएं, 8 को जाएं, सफ़र में जाएं, रबीउल अव्वल में जाएं, कब्रिस्तान में जब भी जाएं, मना नहीं है। लेकिन शबे बारात वाली रात तो खुद रसूल करीम गए हैं ना कब्रिस्तान। अब जो बात मैंने समझानी है उसको समझें, नबी पाक की वालदा का मज़ार नहीं है वहाँ जन्नतुल बकी में, हुजूर के को भाई बहन, हुजूर क्या करने गए, उम्मत की बख्शिश के लिए गए। शबे बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोज़ी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब करीम से, मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम। ये मांगने की रात है, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जे दरवाजा, आए अल्लाह की बारगाह में इस रात को खुल के दुआ मांगे। कब्रिस्तानों में ना कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि सालों बीत गए हैं कोई आया नहीं, कुछ कब्रें बताती हैं। और कुछ बड़े कब्रिस्तान बड़े शहरों में ऐसे भी हैं कि जिनका गोरकन कहता है कि मुझे कमेटी ने कह दिया है जहां 4-5 साल कोई ना आए वहां नई कब्र बना दिया करो, वहां नई कब्र बन जाती है माशाल्लाह। ओ भाई कुछ हैं ऐसे, कुछ हैं। ये जाए ना अकबर बादशाह यहाँ लेटा है लाहौर में, तो शेर लिखा हुआ है, बर मज़ारे माँ गरीबा ने गुले परवाना सोजिज ने सदाए बुलबुले। फारसी का मकौला लिखा है उसकी कब्र पे, कहता है मैं वो गरीब हूँ, अला बादशाह है मकबरे में लेटा है, कहता है मैं वो गरीब हूँ कि ना यहाँ कोई परवाना आता है ना बुलबुल आके गीत गाती, कोई आता ही नहीं, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, कोई फातिहा नहीं पढ़ता। ओ भाई कई कब्रें ऐसी हैं जिन पे सालों बीत गए कोई लौटा नहीं। और मिशकात में हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कब्र में होता है वो तो उस आदमी की तरह है जो दरिया में डूब रहा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ मांगे, मेरी बेटी दुआ मांगे, पर बेटे को तो 27 साल हो गए, मुल्क से बाहर है, कागज़ बनेंगे तो अब्बे की कब्र पर आएगा ना, उसके तो कागजात ही नहीं मुकम्मल हो रहे, वो बेटे को तो मुश्किल है बड़ी, वो तो कागजात नहीं बन रहे, वो तो दौलत का मुतालबा पूरा होगा तो जब ही वो काम होगा ना, इंतज़ार हो रहा है कब्रों में मेरा बेटा दुआ करे, मेरा भाई दुआ करे, और अगर बच्चा दफन है तो वो कहता है मेरी माँ दुआ करे, मेरा बाप दुआ करे। कोशिश करें शबे बारात बाद अज़ मगरिब ये रिवाज पैदा करें, ये रसूलुल्लाह का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्रिस्तान में जाएँ और जा कर के वहाँ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें कि या अल्लाह जो इस कब्रिस्तान में लेटे हैं वो भी, और जो आज तक कलमा पढ़ने वाले दुनिया से गए वो भी, और जो कयामत तक जाएंगे वो भी, ऐ अल्लाह तो सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की रहमत को महदूद ना करें कि सिर्फ मुझे बख्श दे, उसे कहें या अल्लाह कुल की बख्शिश फरमा। सारी उम्मत के लिए दुआ करें, शबे बारात की रात नफल पढ़ें। हमारे यहाँ महफिल होती है हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े शौक़ से बड़ा खूबसूरत हमें एहतमाम करते हैं, लेकिन मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि जिनको अकेले में नफल पढ़ने में मज़ा आए वो अकेले में पढ़ें। कितनी खुली बात कर रहा हूँ मैं, पाबंद नहीं कर रहा कि आप यहाँ आएंगे महफिल में आएंगे, ज़रूरी है भाई, आपको अकेले में मज़ा आता है ना। कुछ लोग तन्हाई में हो तो दिल ज़्यादा लगता है, वो तन्हाई में करें अल्लाह अल्लाह कोई अर्ज नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि नात सुनते हैं तो दिल नरम होता है, तकरीर सुनते हैं तो दिल
नरम होता है, तो जिनका इस तरह नरम होता है वो मस्जिद में आए, बात सुने। कुछ को सब के बीच बैठ के रोना आता है। हजरत सआद शिराज़ी फरमाया करते थे, कुछ लोगों के आंसू मुझे रुला जाते हैं। फरमाते हैं कुछ की आंखें देख के रो पड़ता हूँ, लिहाजा मैं जब भी जिक्र करता हूँ महफिलों में बैठ के करता हूँ, तनानियों में मुझसे नहीं होता। तो जिससे नहीं होता वो आए ना, वो मस्जिद में आए, रात इबादत करें, कल मगरिब से पहले पहले काम समेट लें सारे, और मगरिब के बाद ये रात शुरू होगी, मगरिब के बाद एक छुट्टी कर लो अल्लाह रसूल के लिए, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला एक छुट्टी। और तौबा की रात है ये, तौबा करनी है। तौबा किसको कहते हैं? तौबा का माना है पिछले गुनाह पर पछताना, शर्मसार होना। कहते नहीं ए काश मैं न करता, और वो लफ्जों में नहीं, जुमलों में नहीं, तौबा रटी रटाई नहीं, शर्मसार होना और आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा करना, इसका नाम तौबा है। देखें अल्लाह ताला फजल करे, मैंने पिछले साल कहा था फिर कहता हूं, मस्जिदों से ना शबे बरात की रात, शबे कदर की रात चीखों की आवाजें आती हैं, लोग इतना रोते हैं, रोते हैं ना, रोना चाहिए, कम रोते हैं ज्यादा रोना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा लोग शबे बरात की रात रोते हैं, क्या फिर सवेरे बद्दयांती खत्म हो जाती है? जो रात मस्जिद में खुल के रो के आया है उसका प्रोग्राम है ना, क्या मिलावट कभी नहीं करेगा, अब गाहकों से झूठ कभी नहीं बोलेगा, अब वो बद्दयांती का मामला कभी नहीं करेगा, लेकिन रात रोता भी रहे और सवेरे प्रोग्राम ये हो कि मैंने फिर लोगों को फरेब देना है, दाव लगाना है, तो ये इसने तौबा किया रात के, यहां बस ये एक्टिंग करके लौट आया है, यानी बड़ी सजा बना करके सवार करके रात तौबा की। क्या मतलब है तौबा का? कि तौबा आपने की, हजरत हसन बसरी से किसी ने कहा तौबा क्या है, फरमाने लगे तौबा यह है कि जिस गली से रब ने तुझे मना किया है दोबारा फिर तू उस गली में नजर ना आए, तू नजर ही ना आए, और जिस जगह जाने का रब ने तुझे हुक्म दिया है फिर तू दोबारा वहां से गैर हाजिर ना हो। अगर ये प्रोग्राम ही नहीं, इरादा ही नहीं, बच्चे एक दो मुझे कहने लगे कल हजरत साहब तौबा के मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है तो कोई बाप बताए कहाँ पे है, कुछ बच्चे शागिर्द हैं, कुछ मस्जिदों में जुमा पढ़ाते हैं, एक ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा बेटे पहले मस्जिद में जाओ, दो नफल पढ़ो, तौबा करो, तौबा का इरादा बनाओ, ये रस्म नहीं है। वो नाथ खां भी तो तौबा कर लेना जो शबे बारात के दिन लोगों को तौबा कराने आया है और 25,000 का सौदा करके आया है, तू आज इस काम से तो तौबा करना, ये नोट फिकवाने से तो तौबा करना, ये रस्म है सारी रात तौबा 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 तौबा, ये क्या माना है इसका, क्या मतलब है? करें इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक आदमी बादशाह का गार्ड था, सिपाही था, उसका पहरेदार था, निगरानी करता था, बड़ी वफादारी से नौकरी करता रहा, बादशाह ने उसे तनख्वाह के अलावा भी बड़ा नवाजा, बड़ा नवाजा, बड़ा नवाजा, उसे बादशाह ने बड़े अलाउंसेस दिए, बादशाह ने बड़ा कुछ दिया, मकान दिया। कुछ सालों के बाद बादशाह को पता चला कि ये मेरे लिए नहीं आता था, इसकी तो मेरी कनीज पर नजर थी, इसने तो रात की ड्यूटी इसलिए लगवाई थी कि कनीज पर नजर थी। तो इमाम फरमाते हैं कि बताओ फिर वो बादशाह उसके साथ क्या सलूक करेगा, वो क्या सलूक करेगा? तो लोग कहने लगे हुजूर लगता ये है कि वो ना 4-5 हिस्सों में काट के तो कुत्तों के आगे फेंकेगा। आप फरमाने लगे मेरा रब तो बड़ा ही करीम है, वो तो ऐसे नहीं करता, लेकिन बतलाओ अगर उसे पता चले कि ये रस्म के लिए आया है, इसकी तो नज़र ही माल पे है, ये तो सवेरे बदलेगा नहीं, ये तो धोखा दे रहा है, ये तो तौबा करने आया ही नहीं, इसने तो ढोंग रचाया है, उसे तो पहले से खबर है, तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो, फिर क्या रवैया रखते हो? शबे बारात की रात धाड़े मार मार के रोना और सुबह उसी तरह धोखा देना, उसी तरह फरेब करना, उसी तरह झूठ बोलना, उसी तरह बद्दयांती करना, उसी तरह लोगों को लूटना, तो ये रस्म नहीं है तौबा। तौबा तो बदल जाने का नाम है, तौबा तो फिर संवर जाने का नाम है, तौबा तो इस तरह है जिस तरह हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने की थी, वक्त के बादशाह थे बादशाह, जब तौबा की तो फिर हर चीज छोड़ दी, फिर माल लोगों में बांट दिया और फिर टाट का लिबास पहनकर जिंदगी गुजारी। लोगों ने कहा हुजूर ये तब्दीली है, फरमाया तब्दीली नहीं ये मेरी तौबा है, ये मेरी तौबा है, जब तौबा की तो फिर बदल के की, जब तौबा की तो फिर तब्दील किया आपने, ये क्या तौबा हुई? सारी रात रोते रहे, सवेरे दुकान पे जाकर फिर कसम उठाई कि मुझे तो पड़ता ही 11,000 का है, ये तौबा है? तो आपने और मैंने तौबा करनी है तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह करनी है कि फिर 15वीं शाबान को बदल जाए। ये जो मौके आते हैं ना शबे बारात के,
شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں، یا اللہ کیا کرے کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے دو رکھتے پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے گا، کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے، اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے۔ اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں، بس تو پہلے ہی تیاری کر، 15 دن پہلے ہی، 14 دن پہلے تیار ہو جا، کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھروں کو تیار کریں۔ اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں، شب برات آئے تو مسلح ایک دفعہ دھویا کریں، ایک دفعہ مسلح دھویا کریں، فرش دھوتے ہیں نا مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی، یہ ارادے بنائیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں، تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ، عشاء کے متصل بات شروع ہو جائے گی، 12 بجے تک محفل چلے گی، پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی، پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی، کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو، جیسے آپ کو موقع بنے، میں کہہ چکا ہوں، لیکن وقت ضائع نہ کرنا، گولڈن چانس ہے، اس کو مس نہ کرنا، یہ شب نجات ہے، اس کے ضرور قریب جانا، رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔